शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मोक्षदा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत कथा पूरन पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, जो मनुष्य भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं या फिर मोक्षदा एकादशी की कथा को सुनते हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। बंधुओं, ये साल की आखिरी एकादशी होती है। बंधुओं, इस बार 2020 में मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर की है। बंधुओं, धार्मिक मान्यता के अनुसार ये एकादशी बहुत ही शुभ फल प्रदायी होती है। बंधुओं, जो लोग पूरन विधि विधान से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उपवास करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं और भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, जो मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बंधुओं, यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंता मणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। बंधुओं, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। उत्पना एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोक के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा
कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि का स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतिचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंता मणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।